बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब लोगों के लिए। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, और जो है बहुत ही ख़ास। इसमें एक बात, कुछ बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करनी है। और मतलब आजकल तो न्यूज़ आप लोग सुन ही रहे होंगे कि यूट्यूब की तरफ से कि क्या हो रहा है, बहुत सारे चैनल इनवैलिड एक्टिविटीज़ की वजह से डिमोनेटाइज हो रहे हैं, बल्कि बाज़ चैनल तो रिमूव भी कर दिए जा रहे हैं यूट्यूब की तरफ से ना। तो मैं भी आपसे एक ऐसी ही बात शेयर करने लगी हूँ जो मेरी फ्रेंड के साथ हुआ है, और जो है मुझे भी बहुत दुख हुआ इस बात का। ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा जो है परेशान है। एक्चुअली ये हुआ कि कल उसकी मेरे पास कॉल आई। मॉर्निंग में मैं बैठी हुई थी ब्रेकफास्ट से, मतलब फारिग वगैरह हो के अपने काम से, तो उसकी मेरे पास कॉल आई। बहुत ज़्यादा परेशान थी। उसने कहा यार ऐसा ऐसा हो गया है, मेरा चैनल जो है रिमूव हो गया है। अच्छा, डीमोनेटाइज भी नहीं हुआ उसका चैनल, रिमूव हो गया। और ऐसा भी नहीं हुआ कि चलो कुछ दिन पहले यूट्यूब ने उनको कोई वार्निंग दी हो, बस डायरेक्ट ना रिमूव कर दिया। तो ऑब्वियसली उसकी मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से उसको ये मतलब हुआ उसके साथ, उसके चैनल के साथ ऐसा। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा तुमने क्या किया था, तो कहने लगी कि कुछ एक्टिविटीज़ थी इनवैलिड जो मैं कर रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं ये बात शेयर करती चलूँ, क्योंकि अच्छी बात, मतलब ऐसी बात किसी से शेयर करना जो उसके लिए भी बेनिफिशियल हो, और उसके लिए भी मतलब नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट फ्यूचर के लिए केयरफुल रहने का सबब बने। तो मैंने सोचा आप सब लोगों के साथ ये बात शेयर कर लेती हूँ। एक्चुअली आज वीडियो बनाने का मेरा कोई सच इरादा नहीं था, लेकिन ये बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी, मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। हुआ ये कि कुछ मिस्टेक्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं, और यही मिस्टेक मेरी फ्रेंड ने भी की है, और वो ये थी कि वो इनवैलिड एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ये आता है कि उसने जो है मतलब डिफरेंट आईडीज़ वो यूज़ कर रही थी, और उससे वीडियो को वॉच करना, और फिर मतलब गलत तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ाना, व्यूज़ को बढ़ाना, और जो है पैसे दे के एड्स को ख़रीदना, ये तमाम चीज़ें जो हैं यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के ख़िलाफ़ आ जाती है, उसके अगेंस्ट काम अगेंस्ट होता है ये सब चीज़ें ना। तो अगर इस चीज़ को हम करेंगे तो ऑब्वियसली ये उनके अगेंस्ट हम कर रहे हैं, उनकी जो पॉलिसी है यूट्यूब वालों की उसके अगेंस्ट करेंगे, तो फिर तो जाहिर सी बातें भी हमारा चैनल कैसे बचेगा। तो अच्छा, तो यही कुछ हुआ। और VPN भी बहुत कॉमन हो चुका है, VPN के थ्रू भी लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं आजकल, ताकि उनके व्यूज़ जो हैं बढ़ें। बस लोगों को ना लालच आ गई है कि बस हम जल्दी से जल्दी, उनमें ना कोई सब्र, मतलब सब्र वाली चीज़ नहीं है कि थोड़ा सा सब्र कर लें, चाहते हैं कि बस आज हमने चैनल स्टार्ट किया, कल नहीं परसों नहीं, फौरन से मतलब दो दिन के अंदर अंदर हमारा चैनल ग्रो होने लगे, व्यूज़ आने लगे, और हमें हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ चैनल की बात नहीं करें, अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं चैनल को हटा कर भी, तो उसको भी मतलब सेट होने में, उसको ग्रो करने में एक टाइम लगता है, और जितना टाइम लगेगा ना हमारी मेहनत के लिए, जितना टाइम दरकार होता है उतना ही उसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है। तो इस चीज़ के लिए हमें ख्याल रखना चाहिए, हमें भी केयरफुल होना चाहिए कि हम गलत तरीके से जब भी कोई काम करेंगे ना, तो उसका रिज़ल्ट हमें कभी अच्छा नहीं मिलेगा, उस काम में कभी बरकत नहीं होगी, ये तो सभी को पता है। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो वो मेरी फ्रेंड भी कर रही थी, और आजकल सब लोग कर रहे हैं। तो सिर्फ मेरी फ्रेंड का नहीं, मैं यूट्यूब में भी बहुत न्यूज़ ऐसी देख रही हूँ, बहुत सी वीडियोस देख रही हूँ कि बहुत से लोगों के चैनल डीमोनेटाइज हो रहे हैं, जबकि कुछ चैनल तो विदाउट वार्निंग जो है रिमूव ही कर दिए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप सब लोग भी, अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कोई कर रहा है, तो प्लीज़ केयरफुल रहे, इन चीज़ों को छोड़ दे, और बस अल्लाह पर भरोसा रखे, अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला हमारा जो है चैनल ऐसे ही ग्रोने लगे। तो बस लोग जो है लालच में बहुत ज़्यादा आ गए हैं कि बस जल्दी पैसा देके बस चैनल ख़रीद रहे हैं, सब्सक्राइबर ख़रीद रहे हैं, पैसे देके एड्स ले रहे हैं। तो बस ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं ये गलत हैं, तो इससे हमें बचना चाहिए। तो अब तो खैर मेरी फ्रेंड ने एक नया चैनल स्टार्ट कर लिया है, मैंने कहा बस दुआ करो इसी में जो है तुम्हारा काम हो जाए सही, और जो है व्यूज़ आने लगे अच्छे से ना, बस अल्लाह से दुआ करो।
तो बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऑर्गेनिक व्यूज़ ही हमारे वीडियोज़ पर आएँ, तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि हम पैसा दे के व्यूज़ ख़रीदें, सब्सक्राइबर ख़रीदें या कोई इनवैलिड एक्टिविटीज़ करें। तो बस एक छोटी सी बात थी जो, लेकिन है तो छोटी सी बात लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग के साथ मुझे शेयर करनी थी। तो प्लीज़ आप लोग भी सब इस बात का ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है, अल्लाह ताला हम सब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें इसका रिज़ल्ट दे बहुत अच्छा सा, और लेकिन इसके लिए हम सबको सब्र भी करना होगा। तो बस एक ये वाली वीडियो मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी। और जो मेरे चैनल पे इस वक्त न्यू हैं, मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके चैनल पर आ जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।